दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। आलोट नगर के रेलवे स्टेशन मीना कॉलोनी में हो रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन रविवार को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव मनाया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की बारात व विवाह की झांकी सजाई गई। कथावाचक पंडित अजय कृष्ण शर्मा ने कहा कि जीवन में सत्संग का होना जरूरी है। सत्संग करने से अच्छे संस्कार आते हैं, जिससे विचार अच्छे होते हैं और विचार होने से मन अच्छा होगा। माता रुक्मणी ने भी समर्पण भाव से श्री कृष्ण को याद कर उन्हें सर्वस्व मानकर विवाह का निवेदन किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने लीला कर माता रुक्मणी से विवाह किया। इस पर श्री कृष्ण की बारात धूमधाम से निकाली गई। कृष्ण रुक्मणी विवाह की झांकी सजाई गई। वहीं भगवान के मथुरा आने तथा कंसवध की कथा का वृत्तांत सुनाया गया। आयोजक परिवार के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राधेश्याम मीणा, मुकेश मीणा, पूर्व पार्षद संजय मीणा, दीपक मीणा आदि ने बताया। सोमवार को श्रीमद् भागवत कथा के समापन के साथ आरती एवं महाभंडारे का प्रसादी का आयोजन किया जाएगा।